बात माय यूट्यूब चैनल जी, कैसे आप सब? मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो इंशा की मम्मा है और इंशा की मम्मा आज करने वाली इस रूम की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग करने वाला है काफी थोड़ा सा। तो उसके लिए मैं जस्ट 3 things यूज करने जा रही हूँ। मैं कहते चलिए मैंशन करती हूँ मैं क्या यूज करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्क्रीन वाइप, स्क्रीन या फ्रेम वाइप्स, जैसे मैं फ्रेम पे भी यूज कर लेती हूँ, स्क्रीन पे भी यूज कर लेती हूँ, ये वाला वाइप एंड उसके बाद ये वाले वाइप्स, जस्ट वाटर वाइप्स ये मैं यूज करूंगी, इसके साथ सारा क्लीन करूंगी। और जो पेश है तो टिश्यू, तो इसके बगैर तो हमारा काम भी नहीं चल सकता। तो ये थ्री थिंग्स है जो मैं यूज करूंगी। चलिए करते हैं मिशन स्टार्ट। तो गाइज आज पता मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं एडिट करने वाली थी तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं आज आपसे क्या शेयर करूं, क्योंकि मेरे पास कुछ ऑप्शंस थे तो मुझे था कि मैं आज थोड़ा सा बाहर के शेयर करूं, क्योंकि मुझे होता है कि मैं आपसे डेली ना सेम ना शेयर करूं, तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। टास्क होते हैं, जैसे ऑफकोर्स हमारे कॉन्टेंट्स होते हैं जो हमने देख के बनाने होते हैं और उस तरह से शेयर करने होते हैं टर्न बाय टर्न, ठीक है, कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो उसके साथ क्या था कि आज वैसे भी रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान से पहले ऑफकोर्स डीप क्लीन करना ही है घर को, क्योंकि ऑफकोर्स रमज़ान आ रहा है तो उससे पहले बहुत सारी थिंग्स टू डू होती हैं जो कि पेंडिंग लिस्ट में होती हैं। तो आज बेसिकली क्या था कि अम्मी कहीं बाहर चली गई तो मुझे चांस मिल गया इस रूम को क्लीन करने का, मुझे डीप क्लीन करना था। अच्छा, ये मैं आपको मैंशन कर दूँ कि जो अम्मी हैं वो हैं मदर इन लॉ, उनको मैं अम्मी कहती हूँ जब से मैं आई हूँ। तो जो मेरी मदर हैं उनको मैं मामा कहती हूँ ताकि दोनों में डिफरेंस रहे, क्योंकि शुरू से मैं अगर दोनों के सेम कहती थी तो वो हस्बैंड कंफ्यूज हो जाते थे कि तुम किसके, हालांकि मुझे डांट भी पड़ जाती थी कि तुम किससे कह रही हो, कौन मीन। तो फिर मैंने मामा मीन अम्मी, पहले मैं अपनी मदर को अम्मी कहती होती थी, अम्मी जान, तो उनको मैंने मामा कहना स्टार्ट कर दिया जब से मेरी शादी हुई। तो जो सासू माँ है मेरी मदर लॉ, उनको अम्मी कहना स्टार्ट कर दिया ताकि हस्बैंड को भी डिफरेंस लगे और उनको भी, ठीक है। तो इसलिए अम्मी गई थी बाहर कहीं तो मुझे फिर चांस मिला, टाइम था, मैं कह चलें जी क्विक जल्दी से ना इसकी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि क्या था कि अम्मी इस रूम में होती हैं तो मुझे जाहिर है चीज़ें वगैरह सारी मूव करके इधर उधर करके रूम बिखेर के क्लीन करना था, क्योंकि डीप क्लीन ऐसे ही होता है, तो चीज़ों को मुझे इधर उधर मूव करना होता है, तो इसलिए। तो अच्छा, उसके साथ मैंने मेंशन नहीं किया होगा पहले कि मैंने टेबल का प्लास्टिक कवर ले लिया था, क्योंकि पहले आपको याद होगा कि मार्कर्स वगैरह सारी वो क्रेयॉन्स कलर वगैरह लगा के उबैदुल्ला ने ख़राब कर दी थी, तो फाइनली मुझे मिल गया था और देखते हैं अब कब ख़राब होता है। और शुक्र है कि चेयर्स को भी मैंने कवर किया हुआ, वरना चेयर्स का भी बुरा हाल हो जाना था, स्पेशली बच्चों ने करना था, और उस पर भी मैंने प्लास्टिक से सारा उसको फिट किया हुआ है इसलिए। चले मैं आपको बताती हूँ कि इस दोनों रिश्तों में एक डिफरेंस क्या है, कि पहले तो मैंने आपको बताया ना कि मैं अपनी अम्मी जान जो कहा करती थी उसको मामा क्यों कहती हूँ, इसके ये रीज़न है मामा कहने की, ताकि दोनों रिश्तों में एक तोज़न रहे, दोनों रिश्तों में एक डिफरेंस लगे, ठीक है। चले इसके साथ एक ना बात बताती हूँ, चटपटी सी है लेकिन कोई कोई इससे अग्री करेगा कोई नहीं। तो फर्स्ट रियलिटी तो एक ये है ना कि सास चाहे किसी भी रिलेशन से हो, चाहे फूफो हो, मामी हो, चाची हो, ताई हो, किसी भी रिलेशन हो, दूर की फूफ, दूर की सिस्टर हो, दूर की फूफो, लेकिन वो सास सास ही होती है, और बहुत कम ऐसी होती हैं जो वो जो उनका रिश्ता होता है वो उसी तरह से रहती हैं, ठीक है, लेकिन सास सास ही होती है चाहे वो कोई भी रिलेशन में हो, ठीक है, वो हमारी कुछ भी लगती हो। उसके बाद क्या है कि मदर और सास में डिफरेंस है, बिल्कुल है, और वो इस तरह से अगर घरेलू तौर पर बात कर ली जाए तो देखें जब हमारी शादी होती है जो सास साबा है वो अपने अहम किरदार अदा कर रही होती है माँ अपने। देखिए माँ हमें शुरू से माशाल्लाह वो चाहे हमें एजुकेशन दे रही हैं, चाहे वो हमें घर के काम सिखा रही हैं, चाहे वो हमें जॉब करना सिखा रही हैं, मीन एबिलिटीज़ हमारे अंदर वो ऐड करती हैं, और उन्हीं एबिलिटीज़ को हमने ससुराल में आके निकालना होता है, ठीक है। देखें वो हर काम हमें सिखाती हैं, हर काम कि जी मेरी बेटी ने अगले घर जाना है तो अपने अगले घर को कैसे संभालना है, कैसे उसने सारे घर में काम करने हैं कि हमारी रिस्पेक्ट रहे, हमारी नाक ना कटे कि जी, क्योंकि सास साबा जो होती है ना वो ये नहीं कहती हैं कि तुम मेरी भांजी हो या तुम मेरी भतीजी हो, बस वो ये देखती हैं कि हाँ इसकी मदर ने क्या सिखाया है और इसके अंदर कौन सी एबिलिटीज़ हैं। और एक सच ये भी है कि बेटे को चाहे कुछ ना आता हो लेकिन बहू को सारे काम आने चाहिए घर के A to Z, जैसे कि मैं और आप सब करते हैं। मदर ने ही ये दिया होता है सुगड़पन,
सुगड़पन भी लड़की में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि ससुराल में ज़रूर नज़र आता है, और सास तो उसको घूर घूर से देखती है कि हाँ कितना सारा है इसके अंदर। तो छोटी सी एडवाइस है सब गर्ल्स के लिए कि सब थिंग्स के साथ साथ सारे घर के काम भी आप लोगों को आने चाहिए और ज़रूर आने चाहिए। तो चले यहीं से देख लें, देखिए उनका रूम मैंने कितना नाइस बना दिया है, और ये ब्रेकफास्ट और डिनर हमारा एरिया जो यूज़ होता है, तो साथ में जाए नमाज कुरान मजीद सोफ़ा सारा मैंने ए टू जेड क्लीन कर दिया है। इसके साथ रूम की लाइट पे ना जाइएगा क्योंकि लाइट का तो आपको पता ही है यहाँ की डार्क भी होती है, थोड़ी सी लाइट भी होती आपको है। मज़े की चीज़ दिखाऊं, ये देखे मीन मैंने अपना लिया हेयर ऑयल, और 3 वीक्स हो गया मुझसे लिया नहीं जा रहा था ये देखे 3 ऑयल मीन ये 1 pound 99 का था और ये 3 pound का मुझे मिला, देखे 299 3 pound का। मैं पूछो 99 क्यों कर देते, पूरा ही 3 लिख दो ना, वो शर्म आती है लिखते हुए 3 pound। तो ये 3 pound का ऑलिव ऑयल, और ये 2 pound का था ये मस्टर्ड, और ये 3.99 मीन 4 pound का, और ये आलमंड ऑयल ये 5 pound का। देखें इतनी चीज़ें, चाहे हेयर ऑयल है, चाहे कुकिंग ऑयल है, चाहे कार ऑयल है, हर ऑयल इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया कि मैं क्या बताऊँ। मीन सर में लगाना मीन हेयर ऑयलिंग करना भी इतना मेन मुश्किल हो गया है बंदा, क्योंकि मुझे मिक्स करना होता है इन तीनों चारों ऑयल्स को, तो इसलिए मुझे लेने पड़े फाइनली आज आए आफ्टर 3 वीक्स। मीन सीरियसली इतने ऊपर चली गई प्राइसेस, कांट बिलीव। तो ना जाने पता नहीं मैं क्यों इतनी लेज़ी हो रही थी, काफ़ी टाइम से ले भी नहीं पा रही थी, और अभी जब ऑयल आ गया है तो अभी मैं सोच रही थी कि ओ नो मैं एक ही बोतल ले लेती अभी प्राइसेस देख के, तो दिल थोड़ा सा हो गया ना ख़राब इसलिए, क्योंकि पहले यूजली मैं कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती थी, तो वो होता था जार में तो वो मुझे गर्म करना पड़ता था, तो मुझे चाहिए था दूसरा कोई स्प्रे वाला हो या किसी मिनी लिक्विड फॉर्म में, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मैं ऑनलाइन ले लेती। और ये मुझे किसी ने मैंशन किया था कि इससे हेयर फॉल ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये लिया था, और अभी मैं कह रही हूँ कि ना ही लेती तो अच्छा था। है हाल मेरा कोई वाकई पता नहीं क्या हो गया मुझे। तो अभी जैसे कि क्लीनिंग वगैरह की थी, फिर थोड़ा सा वार्म फील कर रही थी, फिर मैंने सोचा चलें जी थोड़ा सा शॉवर लेती हूँ, तो उससे पहले ऐसे करती हूँ क्योंकि मैं बाल कभी भी वैसे नहीं वॉश करती, मैं कहती हूँ ज़रूर ऑयलिंग होनी चाहिए बाल। ये तो थोड़ी सी इमरजेंसी अंदर आ गई थी ब्रेक लग गई थी क्योंकि मुझे याद रहता था, फिर जब स्टोर पर जाती थी याद नहीं रहता था, समटाइम वैसे याद नहीं आता था, वीकेंड आ जाता था फिर याद आता था, फिर रिलाइज होता था कि उन्होंने ऑयल लेने थे, तो बस लेते लेते रह गई ना। मेरी ऐसी कभी मजाल भी नहीं हुई और कभी ऐसा हुआ भी नहीं कि मैं हेयर ऑयलिंग किए बगैर मेन सर को वॉश करूं, तो इसलिए मैंने सोचा चले जी 1.5 आवर के लिए मैं लगा लेती हूं बालों पे ऑयल और हेयर ऑयलिंग कर लेती हूं, फिर उसके बाद मैं बालों को वॉश कर लूँगी। लें जी अब इनको मिक्स किया है मैंने, तो अब प्रॉपरली मिक्स कर लेती हूँ, देन इसके साथ ही मुझे दे दें इजाज़त, आज के दिन भर के ये थे काम, और कल मिलूँगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।